स्वतंत्रता दिवस की प्रैक्टिस पर फटे पैरासूट लेकर कूदे नाइजीरियन जवान, सड़कों पेड़ों बिल्ड बोर्ड पर गिरे। नमस्कार, मैं मीरा पांडे और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। 1 अक्टूबर 2022 को अफ्रीकी देश नाइजीरिया अपना स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। राजधानी अबूजा में बड़े स्तर पर कार्यक्रम की तैयारी थी। सेना के पैराट्रूपर्स को पैरा जंप करके देशवासियों को दिखाना था। उसकी प्रैक्टिस चल रही थी, लेकिन इसी बीच कुछ गड़बड़ी हो गई। न जाने कैसे, लेकिन बहुत सारे पैराट्रूपर्स लैंडिंग जोन से बाहर जा गिरे। सड़कों पर, पेड़ों पर, बिल्ड बोर्ड पर। कई जवानों के पैरासूट तो फटे हुए थे। समझ में ये नहीं आ रहा था कि ये पैरासूट लेकर कूदे या घटिया पैरासूट होने की वजह से वो हवा में फट गए। फिलहाल ये पता नहीं चल पाया कि ये देश हादसा कैसे हुआ, गलत जगह ड्रॉप किया गया था या हवा के बहाव में आए, या फिर उन्हें लैंडिंग जोन का पता नहीं था। सोशल मीडिया पर इनके वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये रूसी ट्रेनिंग का नतीजा है। कुछ लोग जवान की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि वो इतने बुरे पैरासूट के साथ बिना किसी को नुकसान पहुंचाए भीड़ में भी सुरक्षित उतरने का प्रयास कर रहे थे। इस वीडियो ग्रेव में आप देख सकते हैं कि कैसे फटे पैरासूट के सहारे एक नाइजीरियन जवान कार के ऊपर लैंड कर रहा है। उसने कोशिश की कि किसी आम नागरिक को चोट नहीं लगे, इसलिए कार पार्किंग उसे ज्यादा बेहतर जगह लगी। कार पर गिरने के बाद जवान सड़क पर गिर गया। उसे देखकर लग रहा था कि उसे चोट आई है। उसका पैरासूट पहले से ही फटा हुआ था। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितने ढेर सारे पैराट्रूपर्स एक बिल्ड बोर्ड के ऊपर से आ रहे हैं। इनमें से सबसे आगे वाला तो बिल्ड बोर्ड से टकराया भी। हालांकि बिल्ड बोर्ड पर पैर रखते ही उसने खुद को संभाल लिया और नीचे बनी कार पार्किंग में जाकर खुद को लैंड किया। यहाँ इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे एक पैरासूट ऊपर पेड़ में फंसा है। हालांकि उसे मामूली चोटें आई हैं, लेकिन उसकी लैंडिंग की वजह से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। इन नाइजीरियन पैराट्रूपर्स जवान के विषय में आपकी क्या राय है, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए बने रहें खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।